बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है सैंडविच। आज हम बनाएंगे सैंडविच। सैंडविच का पहले हम मटेरियल तैयार कर लें। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। वाइट सॉस तैयार करेंगे हम। घी ले लें या मक्खन ले लें आप। 1 टेबल स्पून घी गर्म होने के बाद इसके अंदर हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर की डाल देंगे। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। अब इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। ये हमने तकरीबन 1/2 कप से कम दूध ऐड किया है इसमें। ये हल्की आंच पे आपने रखना है, आंच तेज़ नहीं करनी, इसको जलने नहीं देना। इसके लम्स हमने ख़त्म करने हैं, लम्स बनने नहीं देने, इसको जल्दी जल्दी हिलाना है। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। चिली फ्लेक 1/2 टीस्पून, वाइट पेपर, ये सफ़ेद मिर्च हमने डाली है 1/2 टीस्पून, और सुरख चिली फ्लेक भी हमने 1/2 टीस्पून डाले, और ये 1 टीस्पून है नमक। अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं, जितनी आप चीज़ बना रहे हैं उसके हिसाब से आप डाल लें। इसको हमने पकाना है, इसकी सॉस बनानी है, थोड़ा गाढ़ा करना है इसको। इसको हम थोड़ा पकाएंगे। ये हमारी वाइट सॉस बन के तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हम वेजिटेबल्स डाल देंगे। बंद गोभी, कोरिएंडर, कैरेट। आपके पास जो सब्ज़ियाँ अवेलेबल हों आप वो डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। शिमला मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, आपके पास जो जो सब्ज़ियाँ हों सारी इसमें ऐड कर लें। इसको थोड़ा सा सोटे करना है हमने, ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा क्रंच ही रहने देना है इनको। थोड़ी देर हम इसको पकाएँगे इसके ऊपर। ये हमारा मटेरियल बन के तैयार हो गया। अब फ्लेम ऑफ करते हैं, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। चले, अब हमारा वो जो हमने बनाया था ठंडा हो गया है, तो बाकी मटेरियल को हम तैयार करते हैं। इसमें हम पटाटो शामिल करेंगे। ये उबले हुए आलू हैं, इसको हम मैश कर लेंगे मैशर की मदद से। ये हमने इनको मैश कर लिया मैशर की मदद से। अब वो मटेरियल थोड़ा ठंडा हो गया है, वो इसमें शामिल करेंगे। पहले चिकन ये मैंने बॉईल करके इसको रेशा रेशा कर लिया, क्रश कर लिया। अब इसके अंदर वो मटेरियल जाएगा जो हमने वाइट सॉस में तैयार किया था, वेजिटेबल वाला मटेरियल। ज़्यादा गर्म इसमें शामिल नहीं करना आपने। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे सारे को। हमारा मटेरियल तैयार हो गया है। ब्रेड लेके हमने इसके चारों साइड से ब्राउन हिस्सा काट दिया है, और अब हम इसके सैंडविच तैयार करेंगे। मटेरियल लगाएंगे और सैंडविच तैयार करेंगे।
ये मटेरियल लग के ये तैयार हो गए हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे और फ्राई करने के लिए हम अंडा, कॉर्नफ्लोर और ब्रेड क्रम का इस्तेमाल करेंगे। ये 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, इसके अंदर मैं पानी मिक्स करूँगी। अब इसके अंदर एक अंडा शामिल करेंगे। अच्छी तरह से बीट कर लेंगे इसके अंदर। चलिए फ्राई की तरफ चलते हैं। ये तवा वगैरह रखते हैं, इसको गर्म होने दें थोड़ी देर, फिर इसके ऊपर मैं ऑयल डाल के, ये मैंने इसमें घी डाल लिया है, घी या ऑयल जिस चीज़ का आप इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा घी गर्म हो रहा है, हम ये कोटिंग कर लेते हैं ब्रेड पे। ये हम इसको इस तरह लेंगे, इसके अंदर डिप करेंगे चारों साइड्स, फिर हमने इसे ब्रेड क्रम में रखना है। चलें अब हमारा घी गर्म हो गया, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करना, हमने आंच मीडियम लो रखनी है, क्योंकि ब्रेड क्रम्स वाली चीज़ जब भी फ्राई करें उसे मीडियम लो पे करते हैं ब्रेड क्रम्स। अब हम इसके साइड चेंज करते हैं। दूसरी साइड से भी कलर अच्छा आ गया। ये अब इसकी साइड्स हम इस तरह फ्राई कर लेंगे, साइड्स को भी। अभी हमारे सैंडविच तैयार हैं बिल्कुल, देखिए दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ गया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। कितने क्रिस्पी और कितने मज़े के बने हैं।